नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो वी विल कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन दिस लेक्चर सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो कम्युनिकेशन या संप्रेषण, लाइक फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी ह्यूमंस वॉन्ट टू कन्वे वट वी फील, वट वी थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सो फॉर दैट वी नीड टू कम्युनिकेट। सो किसी भी चीज को अगर हमें दूसरों को बताना है, अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को, तो उसमें कम्युनिकेशन या संप्रेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जेस्चर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी इशारों से हम किसी को कोई बात बता सकते हैं। हम बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अगर आप देखते हैं आसपास की द एनिमल्स, यू नो द वे दे कम्युनिकेट विद जेस्चर्स एंड आईज। ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यू नो देयर इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आप देखें कि बहुत पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर किसी को डायरेक्शन बतानी है तो यू नो दे जस्ट लिट अ लैम्प एट टॉप ऑफ अ ट्री। वो ऊपर एक आग जलाएंगे या कुछ ऐसा लैम्प लगाएंगे जिससे वो इंडिकेट करेंगे कि वी आर हेयर। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम दे यूज टू कम्युनिकेट यूजिंग स्मोक, धुआं जला के कि यहाँ पे हम इस समय यहाँ पे हैं। तो वो धुआं जब ऊपर जाएगा लोग देखेंगे कि हाँ देयर इज समबडी देयर। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, यू नो एज वी प्रोग्रेस्ड, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड, वी काइंड ऑफ यू नो मेक डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट। यू नो लाइक यू कैन सी यू नो फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ टेलीफोन, नाउ वी आर हैविंग अ वेरी यू नो टाइनी डिवाइस इन आवर पॉकेट्स, दिस मोबाइल फोन। सो वी हैव प्रोग्रेस्ड ओवर द इयर्स, एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल नीड टू कम्युनिकेट। बात करना या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमने जो है बहुत सारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया, जिसको आप आज की फॉर्म में इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन यू कैन सी यू नो इन टुडे एरा। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम यू कैन से यू नो फ्रॉम स्मोक, फायर, लाइट, यू नो, एंड नाउ वी आर हैविंग दिस रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन। सो इन जो हमारी ये लेक्चर सीरीज है, इसमें वी विल कवर कम्युनिकेशन which is basically essentially an electronic communication. So we are not talking about you know only the communication languages, we are not talking about the gesture communication, we are talking about electronic communication. Okay, so I'll just add that adjective that we'll deal with electronic communication. So now you know it's very obvious to ask this question that why electronic communication, you know what is the need. So, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि हम उसी तरीके से क्यों कर रहे हैं। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, देयर मे बी डिफरेंट वेज टू डू टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, देन व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यू नो सी देयर आर रीजंस दैट वी आर यू नो रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। यू नो आपने देखा होगा क्या, व्हाट्सएप कॉल करते हैं यहाँ बैठे बैठे, यू नो यू कैन कॉल from Uttarakhand to America, you know, within, you know, few seconds. It is that fast. So, you know, the fastness of the communication, the robustness, the
electronic communication is very robust, you know. You can hardly find, you know, yeah, there may be glitches at times, but mostly the communication is a success, you know. So अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी को 10 बार कॉल किया है तो आपने ये पाया होगा कि 9 या ऑलमोस्ट 10 बार आपको सक्सेस मिली है कम्युनिकेट कर पाने में. सो दी कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, दी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज वेरी रोबोस्ट. इट इज वेरी रिलायबल ऑल्सो. So these are few reasons of, you know, there are other reasons also, like, you know, we can see that the device are becoming very small, miniaturization. पहले आपके बहुत भारी भारी, you can see the computers were very heavy, the telephones were very heavy. Now we are carrying this, you know, around 300 to 200 gram mobile phone in our, you know, pockets. So these are some reasons. There are other reasons as well of, you know, moving to electronic communication. Now we will discuss, you know, how to do this electronic communication, what are the different attributes of this electronic communication, what is the basic block diagram of an electronic communication system. Okay, so let's move. Like, let's first define what is electronic communication. Electronic communication is a reliable transfer. Reliable transfer. It is reliable transmission and reception of information. It is this adjective reliable is very important. So it should not happen that you are sending something electronically and there is no guarantee that the other end, the reception end, is getting that information. So this reliability is a very, very key constraint. As I mentioned, you know, while motivating about the electronic communication as well, that because electronic communication is reliable, that is why we are doing, or we are, you know, finding it everywhere. It is almost pervasive because of the reliability. So this reliable transmission and reception of information is electronic communication. So there is one more thing in this definition. This is, like I mentioned, is information. So what is information? You know, we are sending something. This information is information. So what is this information? You know, we could have said data also. So why we have said information? There is a reason for it, because data is just a raw collection of, you know, some entities. Information is a kind of processed data. For example, if and you know, there is a relation between information and probability. So agar kisi event ki hone ki probability bahut kam hai to usme bahut zyada information hai. For example, if I say that sun rises in the east, so everybody knows that sun rises in the east, right? There is very less information in this. But if I say that today sun rose in west, so there is, like, you know, a significant amount of information in this, because sun, you know, till date never rose from west. And if I say that a man bites a dog, there is a huge amount of information. If I say that a dog bites a man, the information is very low, because the probability of a dog biting a man is quite high. But the vice versa, the probability of a man biting a dog is very less. So information is something which is
you know related to probability. It is inversely proportional to probability. If the probability of an event is less, the information in that particular thing is more. If the probability is more, the information is less. So, see, there are different ways to communicate, you know, your information electronically. You know, and we call, there is a process we do while communicating our information. So that process is called modulation. We will cover the modulation and, you know, different kind of modulation, like there is amplitude modulation, there is frequency modulation, and there is phase modulation. These are the analog modulation techniques. In modern era, we have digital modulation techniques like ASK, FSK, QPSK, your OFDM. You know, you must have heard about LTE, you know. LTE uses something called OFDMA, orthogonal frequency division multiple access. So we will cover all this in subsequent lectures, but today we will just appreciate the concept, you know, like what is a electronic communication system look like as a black box, what are the ingredients of electronic communication system, what are different types. I will just skim through and inform you about the, you know, the basics of a particular electronic communication system. So an electronic communication system is comprised of something called information source, so we need a source of information, right? And then there is a transmitter, फिर एक ट्रांसमीटर होता है, फिर देयर इज अ एंटेना, ओके, एंड नाउ सी दिस इज इंफॉर्मेशन सोर्स, योर ट्रांसमीटर, योर एंटेना. व्हाट इज द रोल ऑफ एंटेना? एंटेना विल रेडिएट इफ इट इज अ वायरलेस चैनल, ओके, एंड देन एट द रिसीवर साइड देयर इज अगेन एन एंटेना. This is receiver circuitry. Then there is a information decoder. So this is a basic block diagram of an electronic communication system. And this part between the transmitter antenna and receiver antenna is called as channel, which is very, very important in electronic communication, because channel decides a lot of your things. Okay, so fine. So I will explain each component separately. First is your information source. What is that? So let's say, like right now, I am an information source for you guys, because I am speaking something, and it is getting converted into some electronic, you know, form. So when we communicate, let's say we are having a phone, okay? So we are the information source. We are giving some information, and there are something called transducers here. Transducers are something which converts one form of energy into another form of energy. So it comprises of transducers mainly. तो जब भी आप अगर माइक में बोलते हैं, सो आपकी जो वॉइस होती है, विच इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका माइक. सो माइक इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स योर वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. सो इन अ सिमिलर वे, बिकॉज व्हाई वी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बिकॉज आवर ट्रांसमिट सर्किटरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. इट कैन ओनली प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इट कैन नॉट प्रोसेस आवर बेयर वॉइस. So that is why we need to convert our information into electronic form, and that electronic form is electrical signals. And what we use to convert that, we use something called transducers. For example, your mic is a transducer which converts your voice into electrical signals. And then this transmitter circuitry will do different operations, you know, on this, and we will cover what operation this transmitter circuitry do. It does modulation, and the receiver circuitry do demodulation,
all those things been done at the transmitter side. Okay, the process, the signal processing part. So it does signal processing. Then if it is a wireless channel only, then there will be an antenna. Antenna is not there in the wired system, because let's say there are two telephones, two landline phones, then we don't need antenna because we are not radiating anything. So we need antenna because when we want to radiate, so then only we need antenna. I will explain the function of antenna in later lectures as well. So then this is the most interesting and the most important part. Like most of the research in communication engineering is on channel. अब ये channel क्या है? देखिए channel वो माध्यम है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं माध्यम. आपकी कोई जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जो जाएगी वो किसी माध्यम के थ्रू जाएगी, राइट? सो दैट मीडियम, दैट माध्यम इज योर चैनल. फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर देयर आर टू टेलीफोन्स, ओके? सो वन टेलीफोन लैंडलाइन फोन एंड अदर लैंडलाइन फोन. सो दोस लैंडलाइन फोन आर कनेक्टेड थ्रू अ केबल. सो एक लैंडलाइन टेलीफोन के केस में जो चैनल है वो आपका वो वायर है. लेकिन अगर हम एक वायरलेस चैनल की बात करें, यानी जब हम मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, तो चैनल क्या है? ये जो खुला आकाश, यू नो द ओपन स्पेस इज द चैनल इन द वायरलेस केस. अगर हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे जो फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर, वो एक चैनल है. सो चैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, बिकॉज चैनल डिसाइड्स द बैंडविड्थ. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई विल टॉक अबाउट बैंडविड्थ लेटर ऑन. Because whether you communicate, how good you can communicate, it all depends on channel and because of this bandwidth. Every medium has some bandwidth which it can support. Okay, so we need to be very careful about the channel which we are using. So अब देखिए जो wireless है, ऐसा क्यों हुआ कि पहले wired communication आया और wireless बाद में आया? There is a reason for it. Okay, so you should definitely ask. We can discuss about this question in our subsequent lecture, but I exhort you to see and think that why it happened that first wired communication came and then wireless communication came. So there is a reason for it. There are some challenges with the wireless channel. Wireless channel is the most notorious channel, बहुत ही notorious channel है, बहुत नटखट है, बहुत शैतानी करता है wireless channel. लेकिन जो wired channel है बहुत ही well behaved. आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो wired channel है वो एक बहुत ही एक वेल बिहेव्ड इंसान है, और जो आपका वायरलेस चैनल है एक बहुत ही नटखट और बहुत ही शैतान इंसान है. तो बहुत शैतानियां करता है ये कम्युनिकेशन सिग्नल के साथ आपके, जो आप ट्रांसमिट करते हैं. तो आपको बहुत सारे ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं वायरलेस चैनल में, रिसीवर सर्किटरी में. तो इसलिए जो वायरलेस चैनल का रिसीवर सर्किट होगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज आपका जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस है, इट इज़ वेरी शैतान. एंड दी चैनल इन द वायर्ड केस इज अ वेरी वेल डिफाइंड चैनल, यू नो. I will discuss all these things in the later lecture. It is called AWGN channel, additive wise Gaussian noise channel. So a wired channel is AWGN channel, and a wireless channel is something called, we call it relay channel. I will discuss about all this. It is very notorious. Okay, so see guys, I request you to, you know, pay very very attentive while discuss, and I encourage you to go and look more about channel. Okay, because whatever we do at this transmitter circuitry and the receiver circuitry is with respect to channel. हम channel को समझ के ही सारे operations करते हैं. तो channel is a very very important part of, you know, of our communication system. Because all this wireless channel, you know, debates is going on that optical fiber is better and blah blah blah. All this is because of this channel characteristics. And the most important characteristics of any channel is the bandwidth which it can support. कि कोई भी particular माध्यम जो है कितने बैंडविड्थ, यानी आप इस तरीके समझिए कि आपके पास बहुत, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल ड्रॉ एन एनालॉजी. जैसा आपके पास सड़क है, ठीक है, अब सड़क अगर एक लेन की है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है तो कंजेशन ज़्यादा होगा ना. और अगर चार लेन की है, छः लेन की सड़क है तो उसमें कंजेशन कम होगा. यानी आप दो लेन या तीन लेन जो है आने वालों के लिए कर दीजिए, तीन लेन जाने वालों के लिए कर दीजिए. तो अगर जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी उतना जो है ट्रैफिक जो है स्मूथ चलेगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बैंडविड्थ इज ऑल्सो लाइक अ road. Okay, so if the road is less crowded, then it is easy for a commuter to move.
अगर ट्रैफिक कम है तो आपके लिए ज्यादा आसान है उसमें ट्रैवल करना, बजाय कि उस सिचुएशन में जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चैनल की जो बैंडविड्थ है उसको समझा जाए, उसी के बेसिस पे हम ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किटरी डिजाइन करते। तो सो दिस एनालॉजी इज क्वाइट, यू कैन रिलेट दैट, यू नो, यू कैन रिलेट बैंडविड्थ विद द रोड्स। सो इफ द रोड्स हैव मोर लेन्स, यू नो, यानी ज्यादा बैंडविड्थ है तो इट इज ईजी, बट इफ द लेन्स आर लेस देन इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी क्राउडेड इज हाई। सो दिस इज अबाउट द चैनल एंड नाउ द रिसीवर सर्किटरी। सो रिसीवर सर्किटरी में क्या होता है, जो आपका चैनल के चैनल से पास होने के बाद जो सिग्नल यहाँ पे आएगा, अगर वो वायरलेस चैनल है तो एक एंटीना होगा जो रिसीव करेगा, उसके बाद वो सिग्नल रिसीवर सर्किटरी में जाएगा, रिसीवर सर्किटरी उसमें प्रोसेस करेगा, यानी वो भी चैनल में जब वो किसी चैनल के थ्रू पास होता है तो सिग्नल में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर सर्किटरी उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग करता है एट द रिसीवर साइड टू मेक इट बेटर, टू मेक अ सिग्नल बेटर, एंड फाइनली इट विल पास टू द इंफॉर्मेशन डिकोडर। जैसे आपका लाउड स्पीकर होगा, जैसे आप फोन किसी को करते हैं तो आप माइक से बोलते हैं, आप सुनते हैं लाउड स्पीकर से, जो आपके फोन का स्पीकर होता है, राइट। तो वो क्यों करना है हमको डिकोडर, बिकॉज अल्टीमेटली द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर गाय इज सेइंग। अगर हम कम्युनिकेशन करने का पूरा मकसद ही क्या है कि जो हमें दूसरे आदमी ने कुछ बात बताई है, दूसरे व्यक्ति से हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम डिकोड करें, तो वी नीड अ डिकोडर एज वेल, सो दैट स्पीकर इज आवर डिकोडर, सो इट विल डिकोड वट एवर इज द अदर गाय इज सेइंग, इट विल डिकोड फॉर अस। सो दिस इज अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ a communication system, an electronic communication system, okay? So there will be an information source, there will be a transmitter, there will be a channel, and if it is a wireless channel, there will be antennas also at the transmitter and receiver side, there will be a receiver circuitry, there will be an information decoder, okay? So information source, yani, अगर हम इसमें फिर से एनालॉजी डालते हैं लैंडलाइन फोन की, तो लैंडलाइन फोन में आप इंफॉर्मेशन सोर्स है, आपने कुछ बोला, उसको हम उस वॉइस सिग्नल को हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसड्यूसर्स होती हैं, जैसे माइक इज अ काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर, माइक कन्वर्ट्स योर वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ओके, एंड देन नाउ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एट दिस स्टेज, सो देन वी नीड टू प्रोसेस इट, टू वी नीड टू कंडीशन इट, उसको भेजने से पहले हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो होता है ट्रांसमीटर साइड में। ट्रांसमीटर व्हाट डज इट डज इट इट डज सिग्नल प्रोसेसिंग ऑन द वॉइस सिग्नल, एंड देन देयर विल बी अ चैनल, चैनल इज वो माध्यम जिससे कि हमारा सिग्नल जाता है, वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, वो आपकी कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, वो आपका वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, जो हमारे मोबाइल फोन में होता है कि चैनल क्या होता है, एक वायरलेस मीडियम होता है। तो अगर चैनल जो है वायर्ड होगा तो वो इट्स अ वेरी गुड चैनल एज कम्पेयर टू अ वायरलेस चैनल। मैंने आपको बताया था कि वायरलेस चैनल इज वेरी नास्टी, इट इट डज लॉट ऑफ यू नो थिंग्स विद आवर सिग्नल। So wireless channel is one of the most challenging channel. So we will discuss about it in our later lectures. Then there will be a receiver circuitry. जो भी आपका information आई है transmitter से, उसको हमें पहले receive करना है। अगर वो wireless channel है तो antenna रहेगा, अगर वो wireless channel है तो directly receiver circuitry में आएगा। Receiver circuitry उसको process करेगी to make it better for the condition for the information decoder. Information decoder फिर हमको finally we can hear that what other guy is saying. So this is the basic, you know, we will go in detail about every block in our subsequent lectures. Now, मैंने आपको बताया था कि transmitter circuit होती है, जो हमारे communication system में एक block है, उसमें एक block था transmitter circuit. So transmitter circuit basically करता क्या है? It does something called modulation. Modulation करता है. This is a very important term in electronic communication, modulation. अब हम समझेंगे कि modulation करना क्यों है, पहली बात तो why we need to do modulation? हम अपनी voice में directly क्यों नहीं बोल सकता हूँ? तो आप इसको हम ऐसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए कि आपका एक दोस्त है जो आपके काफी करीब बैठा है, you know, it is just sitting next to you. So it is very easy, you can, you know, directly speak with him, right? But if your friend goes, let's say, 20 meters from you, it is still fine, okay? You can still communicate. आप थोड़ा चिल्लाएंगे, थोड़ा जोर से बोलेंगे। अगर आपका दोस्त 40 मीटर दूर चला जाता है तभी भी you can communicate, right? अगर आपका दोस्त 60 मीटर, ऐसे आप करते करते अगर आपका दोस्त आपकी जितनी बोलने की क्षमता है उससे दूर चला जाता है,
then you cannot communicate, right? There will be a hurdle. तो अब भाई कैसे कम्युनिकेट करें? Distance बढ़ गया है. Now we need to do something. Okay? We need to do something so that my friend can hear what am I saying. Okay? Whatever distance he may be sitting. Okay? So now what to do? So in electronic communication, for sending our voice information to longer distances, we do something called modulation. तो यही जो प्रक्रिया है जो आपके आपकी आवाज आपके दोस्त तक काफी दूर तक पहुंचा सकती है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. सो अब देखिए, मॉड्यूलेशन समझने से पहले हमको थोड़ा बेसिक्स पे हम जाते हैं कि सिग्नल, हमारा जो सिग्नल होता है वॉइस सिग्नल, वो कैसा होता है. ठीक है, तो हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है, ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, सो नाउ वी कैन से इट्स यू नो साइन ओमेगा टी और समथिंग, ओके, इट इज अ साइन साइनोसॉइड. सो अब इस वॉइस सिग्नल को हमको एक्चुअली में ये इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ साइनोसॉइड, ओके, सो नाउ दिस इज समथिंग विच वी नीड टू ट्रांसफर टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट कैन बी डन? अब हम इतने जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैं, इसको हम कैसे दूर तक भेजें? ओके, सो बिकॉज व्हेन ह्यूमन स्पीक्स द फ्रिक्वेंसी विद विच वी स्पीक इज लाइक वेरी लो, इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेट्स से 200 हर्ट्ज, यू नो. अब इतनी इस अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसको अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा पाए. तो व्हाट वी डू इट, वी लोड आर सिग्नल ऑन अ कैरियर, ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव विच इज नोन एज कैरियर वेव. आप इसको इस तरीके से समझिए, जस्ट फॉर एन एनालॉजी, कि अगर आपको यहां से फॉर एग्जांपल आपको देहरादून से बैंगलोर जाना है, तो उसके लिए आप अगर पैदल चल के जाएंगे खुद से, तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड आइडिया. सो व्हाट यू टेक इज, यू टेक अ प्लेन, यू टेक अ रेल और समथिंग, ट्रेन, यू टेक समथिंग, राइट? सो प्लेन और ट्रेन इज अ काइंड ऑफ कैरियर फॉर यू. ठीक है, इट कैरीज यू टू बैंगलोर और इट कैरीज यू टू दिल्ली रादर देन यू नो यू वॉकिंग टू दिल्ली, बिकॉज इफ यू स्टार्ट वॉकिंग टू दिल्ली, गॉड नोज व्हेन विल यू रीच, एंड इवन इफ यू रीच यू विल बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. ओके, सो हमको इसी तरीके से हमको अपने अगर वॉइस को, जो कि एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो हम उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव के थ्रू पहुंचाते हैं. उस हाई फ्रिक्वेंसी वेव को हम बोलते हैं कैरियर वेव. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विद दिस हाई फ्रिक्वेंसी वेव इज नोन एज कैरियर वेव. ओके, so now see, so this process of you know sending our voice to the longer distance by modifying some characteristics of a signal through a high frequency wave is known as modulation. अपनी आवाज को काफी दूर तक पहुंचाना एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव की हेल्प से, ये कहलाता है मॉड्यूलेशन. तो अब देखिए, जो कोई भी सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल है, ठीक है, इसके मेनली एक चीज होती है एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एम्पलीट्यूड. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. द सेकंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी एंड द थर्ड थिंग इज फेज. सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी सिग्नल.
So we can either vary the amplitude of the signal, we can vary the frequency of the signal, or we can vary the phase. हम इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज को vary करा के अपने सिग्नल को दूर तक भेज सकते हैं. तो अब हम इसको कैसे vary करते हैं? So we vary the amplitude or the frequency or the phase of our signal in accordance with the high frequency wave, which is known as carrier wave. So when we vary the amplitude of the signal with respect to our carrier wave, it is known as amplitude modulation. When we vary the frequency of our signal with respect to the carrier signal, it is called frequency modulation. And when we vary the phase of our signal, our message signal, with respect to the when we vary the phase of our message signal with respect to the carrier wave, it is known as phase modulation. So I'll just repeat it once again. When we vary the amplitude of the carrier wave in accordance with the message signal, it is known as amplitude modulation. When we vary the frequency of the carrier wave with respect to our message signal, it is known as frequency modulation. And when we vary the phase of our message signal with respect to the carrier wave, it is known as phase modulation. जब हम उसका आयाम बदलते हैं message signal का, carrier wave का, अपने message signal के according, उसे amplitude modulation कहते हैं. आवृत्ति बदलते हैं message signal की, carrier wave की in accordance with the message signal, उसको हम frequency modulation. और जब हम उसका phase change करते हैं, किसका? Carrier wave का, with respect to message signal, then it is called phase modulation. Okay? So now, as I was trying to appreciate, कि मॉड्यूलेशन करना क्यों है, ठीक है, तो इसका सबसे जो पहला जो रीजन है मॉड्यूलेशन करने का वो है ईज ऑफ रेडिएशन. देखिए क्या होता है, किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो एंटीने का साइज होता है वो होता है λ/4, where lambda is the frequency of the, sorry, wavelength of the, lambda is the wavelength of the transmitted signal, wavelength of the okay. So lambda जो होता है वो wavelength होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल का. सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ λ/4, यानी जो एंटेना साइज होता है, एंटेना साइज वो होता है इस ऑर्डर का, λ/4, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. लेट अस डू एन एक्सरसाइज. अज्यूम दैट कि वी आर ट्रांसमिटिंग फॉर एग्जाम्पल आर वॉइस डायरेक्टली through the antenna, let's say 200 hertz, okay, 200 hertz means, let's calculate the lambda for this, lambda will be, so we know that C is equals to V lambda, right, so lambda equal to 3 into 10 raised to the power 8 upon 200, okay, so this will come around meters, this is in meters, so this will come around 15 into 10 to the power 5 meter. So our antenna will be of this much size, can you imagine? So it will be around 1500 kilometer. This will be the radius of our antenna, which is practically impossible. इतने बड़े साइज का एंटीना, इतने बड़े रेडियस साइज का एंटीना बनाना लैब में 1500 किलोमीटर जिसका रेडियस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. वी कैन नॉट रेडिएट, वी कैन नॉट डिजाइन दिस काइंड ऑफ एंटीना. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स से इफ आई मेक इट 200 मेगाहर्ट्ज, let's say I'll make it 200 megahertz, okay. So now earlier it was a slow frequency,
Now it is a high frequency, 200 megahertz is higher than. So if it is a it is 200 megahertz, let me run it. If it is 200 megahertz, then it is 3 into 10 to the power 8 upon 200 into 10 to the power 6. Okay, this is meter, this is hertz. Okay, so now 3 into 10 to the power 2 upon 200, it means 1.5. meter. So 1.5 meter is still acceptable. Okay, so 1.5 meter is acceptable. We can design such antenna whose radius is 1.5 meter. Okay, so now you can see, just by changing the frequency, I came from 1500 kilometers to 1.5 meter, which is practically possible to design. So jo hamara 1500 kilometer radius ka antenna tha, जो कि 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आया था, वो डिजाइन कर पाना लैब में बहुत मुश्किल है. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिजाइन सच अ ह्यूज एंटेना. बट दिस 1.5 मीटर इज नॉट अ बिग डील. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द साइज ऑफ एंटेना फॉर आवर मोबाइल फोन्स. ओके, सो इट इज अराउंड 900 मेगाहर्ट्ज. ओके, सो फॉर 900 मेगाहर्ट्ज, सो GSM बैंड operates in 900 megahertz. Okay, so yeah, right? So this will be 3 by 9. Okay, that is 0.3 meters, which is quite easy to make. You know, this 0.3 meters is very easy to make. So yeah, so this is what radiation is. It so by increasing the frequency, by introducing a carrier wave of high frequency, we can make an antenna which is practically feasible to design in the lab. So that is what I mean by ease of radiation. Okay, so antenna size decreases drastically with increase in frequency. So jaise jaise hum frequency badhate hain, antenna ka size decrease ho jata hai. इसीलिए हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का यूज करते हैं. सो लेट मी समराइज इट, बिकॉज वी यूज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बिकॉज द हाइट, द रेडियस ऑफ द एंटेना इज द फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी. सो इफ वी इंक्रीज द ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी, the height of the antenna basically decreases drastically, which is practically possible to design. So with the low frequency, the height of the antenna is very large, which is practically impossible to design. Okay, that is why we use high frequencies for transmitting our message signal. So those high frequencies is known as carrier wave. Okay, and the second thing is my way to modulation is for multiplexing. Now what is this multiplexing is, you can understand it ki there are different bands. Okay, let's say agar aap radio sunte hain to 89.1 megahertz. Okay, then let's say 89.2 megahertz. Okay, then 90 megahertz. So as the frequency is very high, the spacing between 89.1 megahertz and 89.2 megahertz is quite huge.
So spacing is huge. So it is very easy to design the filters. अगर हमको इन दोनों को फिल्टर करना है, अगर ये दोनों पास पास में होते हैं, यानी if the frequencies are quite close, it is difficult to design such a filter. Because now the frequency is in megahertz, so 89.1 and 89.2 are quite distant. Okay, so it is very easy to design filters and it is easier to do multiplexing at such a high frequency. So ease of multiplexing is another reason which leads to easy designing, like practical possibility of designing filters for such a high frequency band. So that is another reason. Because if I say if one frequency is 200 hertz and another is 201 hertz, then there is only one hertz difference between these two, okay? 1 hertz. So it is difficult to filter. इन दोनों को फिल्टर करने में बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इतना शार्प फिल्टर जिसका इतना ऐसा, जो अगर ये 200 हर्ट्ज है तो यहाँ पे कट ऑफ हो जाए, ऐसा फिल्टर डिजाइन करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो वी नीड लाइक, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल्टर इज लाइक दैट, वी नीड ह्यूज स्पेसिंग बिटवीन टू चैनल्स. सो इफ आई से 89.1 एंड 89.2, द गैप इज quite a lot, okay? So it is easier to design such a system because it is easier to design electronic filters. I will explain in detail in later lectures what I mean by filters. If you are not aware about filters, I'm assuming that you guys know about filters. So the multiplexing is easier in high frequencies. And the third reason is to avoid noise disturbances. So what happens is, like, when we transmit our information from the transmitter to receiver, it passes through a channel. Okay, so if that channel is having some noise, okay, so as I told you that this is a transmitter, this is a receiver, there is a channel. Okay, so this channel introduces some noise from external sources. जैसे कि आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ नॉइस. सो अज्यूम करते हैं कि एक रूम में चार पांच लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर वो चार पांच लोग जो है एक ही फ्रिक्वेंसी में बात कर रहे हैं और एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो समबडीज वॉइस विल बी अ नॉइस फॉर समबडी एल्स, राइट. कि अगर आपका दोस्त और आपके दो दोस्त हिंदी में बात कर रहे हैं और आप अपने तीसरे दोस्त के साथ हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे, बिकॉज नोबडी विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर गाय इज सेइंग बिकॉज ऑफ द नॉइस. सो दिस अनवांटेड एनर्जी और अनवांटेड सिग्नल विच हिंडर्स आर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज नॉइस इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सो डीलिंग विद नॉइस इज अ फंडामेंटल चैलेंज इन आर कम्युनिकेशन सिस्टम. सो अगर हम वो वाली फ्रिक्वेंसी बैंड में ट्रांसमिट करेंगे जिसमें एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाएगी एंड इट विल करप्ट आवर सिग्नल. सो वी वांट इन टू ट्रांसमिट आवर सिग्नल इन अ फ्रिक्वेंसी रेंज सो दैट इट शुड गेट मिनिमल इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज. यानी कोई जैसे एनवायरनमेंट में और नॉइसेस हैं, नॉइस फ्रॉम मैन मेड सोर्सेज, नॉइस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइसेस व्हिच वी विल कवर. ओके, so we want to transmit our message signal or our signal in a way that it should minimal affected by the noise. jo noise hai usse wo minimal effect ho, to hum us range mein us frequency mein transmit karenge jisme ki noise ka asar minimum hota hai. to jab hum isko high frequency mein transmit karte hain, to high frequencies mein environment or man made noise ka impact minimal hota hai. that's why we take our signal to the higher frequency. that is why we do modulation. so till now we have discussed three reasons
to do modulation. One is the ease of radiation or the height of the antenna. The other is multiplexing. And the third is to avoid the noise distributions. So now I will just briefly mention, you know, how we will proceed in this lecture series. So electronic communication. And we will cover analog modulation techniques. Like AM, FM, and PM, analog modulation, frequency modulation, and phase modulation. We will cover digital modulation techniques. Like OFDM. We will cover ASK, QAM, FSK. Okay, so see, we will cover all these techniques. We will cover the probability part also. We will cover the noise. Okay. So these are the things which we will cover in our lecture series. So analog modulation is because the information source is analog, okay, and in digital we have digital information. So these days these analog modulation system are kind of almost obsolete. So whatever communication we are doing is, it is digital communication. So digital communication is the key these days. So we will give more emphasis to digital communication in our discussions. Okay. So So this is the you know, the kind of background which we will be discussing. And from the next lecture we will cover the amplitude modulation. We will start from the amplitude modulation. So I'll just brief what we have discussed today. We got the motivation about the communication. What do we mean by electronic communication? A fundamental block diagram of an electronic communication system. We will subsequently get into all the blocks. Okay. And then we have discussed about the modulation and the need of modulation. So humne aaj samjha ki communication hota kya hai aur kaise electronic communication bhinn hai aapke और तरह की कम्युनिकेशन या और तरह के संप्रेषण से, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या होता है. हमने मॉड्यूलेशन और उसका मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं और मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है वो डिस्कस किया. हमने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और उनका फंडामेंटल नेचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया. हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया. एंड एट द एंड आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट कि हम इस लेक्चर सीरीज में क्या क्या कवर करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एनालॉग मॉड्यूलेशन, वी विल कवर द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एज वेल, एंड वी विल कवर द नॉइस पार्ट एज वेल. सो दिस इज इट. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.